हेलो दोस्तों, मैं राहुल पटेल आपका एक बार फिर से हमारे इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आप यूट्यूब स्टूडियो को कैसे यूज कर सकते हैं। यूट्यूब स्टूडियो होता क्या है? जो नए यूट्यूबर रहते हैं उन्हें यूट्यूब स्टूडियो के बारे में नहीं मालूम रहते। दोस्तों, कैसे चला सकते हैं यूट्यूब स्टूडियो को, आज की वीडियो में यही बात करने लगे। इस वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। हमारे चैनल राहुल टेक हेल्प पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आपको ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यूट्यूब स्टूडियो को सर्च कर, यहाँ पर मैं यूट्यूब स्टूडियो को सर्च कर लेता हूँ। उसके बाद आपको इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करने के बाद आपके सामने न्यू पेज ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऐसा ही इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर दिख जाएगा एनालिटिक्स, यहाँ पर आपको दिख जाएगा एनालिटिक्स। यहाँ पर देख सकते आपके 28 दिन में कितने व्यूज आए, कितने सब्सक्राइबर आए, कितने वॉच टाइम जुड़े, यहाँ पर से देख सकते हैं। आपको नीचे आने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको लेटेस्ट वीडियो, आपको यहाँ पर एक लेटेस्ट वीडियो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको तीन वीडियो शो होगी और नीचे तीन कमेंट यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर तीन नीचे कमेंट शो होगा। आप यहाँ पर भी मोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो के बाद नीचे, इस पर क्लिक करके आप अपनी सारी वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं। आपको यहाँ ऊपर थ्री लाइन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एनालिटिक्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीचे, आपको यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर न्यू पेज ओपन हो जाए, यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाए। यहाँ पर आपके चैनल पर 48 घंटे में कितना व्यूज आया, रियल टाइम व्यूज यहाँ पर। उसके बाद आपको नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका 28 दिन में कितना वॉच टाइम कंप्लीट हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर कितना 28 दिन में सब्सक्राइबर मिला और 28 दिन में कितने व्यूज आए हैं टोटल यहाँ पर। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको टॉप वीडियो दिखाई दे रही है। यहाँ पर 28 दिन में किस वीडियो पर ज़्यादा व्यूज आए हैं यहाँ पर देख सकते हैं आपको। उसके बाद यहाँ पर ऊपर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पर रीच का ऑप्शन दिखाई दे, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट में इंप्रेशन मिल जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। इंप्रेशन का मतलब क्या है? तो अगली वीडियो आपको मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट, यहाँ पर आपको देख सकते हैं 5.6 है यहाँ पर, इतना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैफिक सोर्स, यहाँ पर आपको ट्रैफिक सोर्स मिल जाता है आपके 28 दिन में किस पर ज़्यादा वीडियो देखे गए, यानी कि सजेस्टेड में यूट्यूब सर्च में कितना परसेंट आया, कितना ब्राउज फीचर में आया, कितना अदर कंटेंट से आया है यहाँ पर व्यूज। आपको नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं टॉप एक्शन, यहाँ पर जो भी है यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इसका मतलब होता है शेयर, आपके वीडियो को कितने लोग शेयर किए यहाँ पर देख सकते हैं, कहाँ कहाँ पर शेयर कर। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉप यूट्यूब सर्च है, यहाँ पर आपकी वीडियो किस किस टॉपिक से सर्च किया जा रहा है, इस पर क्लिक करके आप पूरा 28 दिन का देख सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर सजेस्टेड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं टॉप वीडियो सजेस्ट योर कंटेंट, यहाँ पर देख सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं आपके सजेशन में किस किस वीडियो पर आपकी सजेशन में वीडियो गई। उसके बाद आपको यहाँ पर इस तीसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक करने के बाद आपको एवरेज व्यू यहाँ पर देख सकते हैं आपका, इसका मतलब मैं नहीं जानता। उसके बाद आपको यहाँ पर टॉप प्ले लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं आपकी, अगर आप प्ले लिस्ट बनाए होंगे तो उसका वॉच टाइम जुड़ेगा वहाँ से, अगर प्ले लिस्ट से वीडियो देखी जाएगी तो। उसके बाद आपको यहाँ पर टॉप कार्ड है, यहाँ पर अगर आई बटन पर आप वीडियो सेट कर रहे हैं, आई बटन से वीडियो देखी जाएगी तो यहाँ पर आपका जो वीडियो देखी जाएगी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑडियंस है, उस पर क्लिक करना है, यहाँ पर देख सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका कितना परसेंट फीमेल देख रहा है, कितना परसेंट मेल। उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है एज का ऑप्शन, यहाँ पर देख सकते हैं आपकी वीडियो किस एज वाले ज़्यादा देख रहे हैं। उसके बाद आपको नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर टॉप कंट्री, यहाँ पर किस वीडियो आपकी वीडियो कौन सी कंट्री में ज़्यादा देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप सब टाइटल सी
लैंग्वेज। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी वीडियो की सब टाइटल अगर आप लिखे रहेंगे तब ही आपको यहाँ पर शो हो। उसके बाद यहाँ पर वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर, आपका कितना परसेंट सब्सक्राइबर वीडियो देख रहे हैं, नॉट सब्सक्राइबर यानी जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं, यहाँ पर शो होगा। यही सब रहता है YouTube स्टूडियो में। आई होप आप YouTube स्टूडियो चलाना सीख चुके होंगे। ऐसे ही आप करके YouTube स्टूडियो को मैनेज कर सकते हैं। हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।